किसी भी दो धातुओं के न्यूक्लिक एसिड में जितना एडेनिन होता है उतना थायमिन होता है, मतलब इन दोनों की मात्रा एक होती है, बराबर होती है। जितना साइटोसिन होता है उतना ग्वानिन होता है, ठीक है, अर्थात जितना प्यूरीन होता है उतना क्या होता है, पायरिमिडीन होता है। ये कहना था इसका चरगप साहब का, इसकी भी मात्रा जो होगी कितनी होगी, एक होगी। ये बात आपको हम पहले बताए थे या आगे की क्लास में बताए थे कि यही चरगप का नियम था कि किसी भी दो धातीय न्यूक्लिक एसिड में जितना एडेनिन होता है उतना थायमिन होता है, जितना साइटोसिन होता है उतना ग्वानिन होता है। लेकिन समस्या यहां पर यह आया था कि जो चरगप का नियम था उसके अनुसार हम लोगों को यह तो आइडिया हो गया कि एडेनिन बराबर थायमिन, साइटोसिन बराबर ग्वानिन और प्यूरीन बराबर पायरिमिडीन। लेकिन क्यों ऐसा था इसका एक्सप्लेनेशन भी हम अगला दिन पढ़ लिए थे तो वो खत्म ही हो गया। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, इससे क्वेश्चन कैसा हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं चरगप नियम पर। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दो धागे डबल स्ट्रैंडेड जो है ना आपका डीएनए है, एक क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, उसका आंसर देख लो। ये कह रहा है कि दो धागे आपका डीएनए है, तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि यहां चरगप का नियम लागू होगा, लागू होगा जिसके अनुसार, जिसके अनुसार क्या है भाई, जिसके अनुसार एडेनिन बराबर थायमिन, साइटोसिन बराबर ग्वानिन होता है। ये बात पहले लिख देंगे। अब दिया हुआ क्या भाई, एडेनिन की मात्रा 20% दिया हुआ है, तो एडेनिन बराबर 20%, ठीक है। तो वहां पर भी हम पढ़े चरगप के नियम के अनुसार कि जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा, तो थायमिन में कितना परसेंट, 20%। साइटोसिन और ग्वानिन की मात्रा कितना होगा, इसके बराबर होगा एक दूसरे का। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज अगर दिया हुआ हो कहीं भी मैथ के अनुसार तो हमेशा वो 100 में होता है, 100 का ही परसेंटेज निकाल सकते या निकाला जाता है, 100 में ही माना जाता है। इसका मतलब 20% अगर था तो 100 में कितना है, ये 20 है। थायमिन दिया हुआ है तो 100 में कितना हो गया, 20। तो ये दोनों ऑलरेडी जो है ना 20-20 करने के हिसाब से ये दोनों ऑलरेडी कितना हो गए, 40 हो गए। तो बचा कितना 100 में, 60। इसका मतलब और जो होगा साइटोसिन या ग्वानिन होगा वो कितना परसेंट होगा, कि 100% में ही कुछ होने वाला है। चरगप का नियम कितना पर लागू होता है, 100% पे लागू होता है। तो 100% में 40% तो आपका क्या हो गया, एडेनिन और थायमिन हो गया, तो बचा कितना, 60%। तो 60% में साइटोसिन कितना हो जाएगा, जस्ट इसका आना जो दोनों बराबर बराबर होते हैं, वहां पर चुके हम चरगप के नियम के अनुसार कि साइटोसिन बराबर कितना होता है, ग्वानिन होता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30, और 30 यहां पर 30, अर्थात आंसर कितना हो गया, थायमिन कितना परसेंट, 20%, साइटोसिन कितना परसेंट, 30%, ग्वानिन कितना, 30%। क्यों आया, कैसे आया, तो ये चरगप के नियम के अनुसार आया, चरगप नियम के अनुसार। हम अभी पढ़े थे कि चरगप का नियम का कहना था कि कोई भी आपका दो धागे न्यूक्लिक एसिड होगा, चाहे डीएनए हो चाहे आपने जो भी हो आपका दो धागे, उस पे वो लागू होगा। उसका साफ कहना था कि किसी भी दो धागे न्यूक्लिक एसिड में जितना एडेनिन होता है उतना उसमें क्या होता है, थायमिन होता है।
जितना साइटोसिन होता है उतना ग्वानिन होता है। तो जब ये हमको मालूम हो और ये मालूम हो जाए कि किसी न्यूक्लिक एसिड में जो है ना 20% एडिनिन दिया हुआ है, तो 20% अगर एडिनिन दिया हुआ है तो एडिनिन बराबर थायमिन होता है, मालूम है चलो नियम से। तो थायमिन कितना परसेंट हो जाएगा, 20%, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। तो परसेंट अगर हम निकालेंगे, 20% दिया हुआ है तो 100% में होगा, 100% बात है। तो 100% में 40% एडिनिन और क्या हो गया, थायमिन हो गए, तो बचा कितना, 7%। और अभी हम लिखे हैं कि चेकअप का नियम कहता है कि साइटोसिन जितना होगा उतना ग्वानिन होगा, तो 7% में दोनों होंगे बराबर बराबर, तो 7 के बराबर कितना होता है 30, बस हो गया आंसर आ गया। तो हमको लगता है कि बाबा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान दिए हुए हैं जिसमें ग्वानिन 10% है, एडिनिन, यूरासिल और थायमिन और साइटोसिन कितना होगा ये निकालना है। तो पहला तो आप बना लिया होंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा फिर ग्वानिन इसमें दिया हुआ है, ग्वानिन कितना परसेंट दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। और चेकअप का नियम के अनुसार हम पढ़े हैं कि ग्वानिन जितना होगा साइटोसिन क्या होगा उतना ही होगा, तो ग्वानिन अगर 10% है तो साइटोसिन कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिलकर 20% हो गए पूरा। और हम जानते हैं कि किसी में भी अगर परसेंटेज निकालने का बात हो रहा है तो पूरा परसेंटेज कितना में होगा, 100% में होगा। तो यहां 100 का बात करेंगे, 100 में बात करेंगे। अब 100 में जो है ना 20% आपका हो गया कौन, साइटोसिन और ग्वानिन, तो बचा कितना, 80%। और हम लोग पढ़ चुके हैं चेकअप के नियम के अनुसार कि जितना एडिनिन होता है उतना थायमिन होता है, तो 80% बचा हुआ जो है ना, एटी परसेंट लिख दो। और उस नियम को लगाओ चेकअप का कि जितना एडिनिन है उतना क्या होगा आपका, थायमिन होगा, तो कितना हो जाएगा 40% प्लस 40%, तो कितना हो गया 80%, 100% हो गया ये, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यूरासिल के बारे में, भाई तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूरासिल जो होता है, यूरासिल डीएनए में नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। यूरासिल जो है ना वो डीएनए में नहीं पाया जाता है, ये दिमाग में रखना है आपको। तो यूरासिल का बात तो निकलेगा नहीं, यू का बात तो निकलेगा नहीं, आपको बाकी क्या निकालना था निकाल दिए, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक आदमी है और कैसा है, एक धातु है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक धातु है न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, पर चेकअप का नियम, चेकअप का नियम लागू नहीं होता। पहला बात तो ये नहीं होता, कोई भी एक धागे होगा चाहे डीएनए होगा चाहे आरएनए होगा, उन पर कोई हाल में चेकअप का नियम लागू नहीं होगा। जब लागू ही नहीं होगा तो यहां पर लिख देंगे अतः AGU की मात्रा को ज्ञात करना संभव नहीं है। एक धागे है तो कैसे निकाल सकते, जब पेयरिंग ही नहीं हुआ तो वहां पर संभव ही नहीं है। इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा कि चेकअप का नियम हमेशा दो धागे डीएनए पर लागू होता है, दो धागे जो है ना न्यूक्लिक एसिड पे लागू होता है, कभी भी एक धागे पर लागू नहीं होगा चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। तो यहां पर थर्ड जो क्वेश्चन था, एक धागे न्यूक्लिक एसिड
था एक ये मारने के रूप में, तो उसमें दिया हुआ अगर है साइटोसिन तो एडमिन वालिन यूरासिल क्या होगा, संभव नहीं है निकालना, क्योंकि यहाँ चेकअप का नियम लागू ही नहीं होगा। जब लागू नहीं होगा तो हम नहीं निकाल सकते। इसलिए बताए थे कि डीएनए का जो डीएनए आपका मॉडल था, डीएनए नॉर्मलाइज़ जो मॉडल था वो दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, और उसको देने के लिए वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो डाटा था विलियम्स का या फ्रैंकलिन का उसको लिया था, और चेकअप के नियम को जो है उसका उनका सहारा लिया था, चेकअप के नियम का सहारा लिया था, और इन दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या किया, डीएनए की संरचना को बताया, जिसे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। अब ये जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है वो करता क्या है, आज का क्लास हम इस पर डालते हैं। तो एग्जाम में अगर आएगा कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल लिखे या उसका वर्णन करें, जो कि 5 नंबर का होता है क्वेश्चन, तो समानता जो अगला दिन हम पढ़ाए थे उसको जोड़ लीजिएगा कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया कौन था, तो दिया कौन था, वाटसन और क्रिक ने। यहां पर हम लिखते हैं फिर से, मॉडल है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, दिया कौन था, वाटसन क्रिक ने दिया था, इसका उद्देश्य क्या था, डीएनए की संरचना की व्याख्या करना, और इसके लिए उन्होंने किसकी मदद ली थी, तो विलियम्स और फ्रैंकलिन का एक्सरे जो आपका डाटा था उसका मदद लिया था, और चेकअप का नियम जो कल पढ़े थे अगला दिन उसका मदद लिया था। इस इन 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 मॉडल के लिए, इस मॉडल के लिए इन तीनों को, वाटसन क्रिक और विलियम्स को 1962 ईस्वी में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये जो डीएनए है, वी डीएनए अब कहलाता है, जो मॉडल उन्होंने दिया था उस मॉडल को अभी वर्तमान में कौन डीएनए कहते हैं, वी डीएनए। ये सबसे सामान्य प्रकार का डीएनए है, मतलब सबसे अधिक अगर कोई पाया जाने वाला डीएनए है तो कौन है, वी डीएनए है। ये कैसा होता है, क्या इस मॉडल में था बात, वो देखते हैं वेब फिगर से। एक हम कंप्यूटराइज टाइप का फोटो से पहले देख लेते हैं क्या कहना था इनका डबल हेलिक्स मॉडल में। ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक का, उसमें क्या कहना था उनका, देखो कि डीएनए जो होता है वो दो धागी होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, दोनों स्टैंड होते हैं वो राइट हैंडेड, मतलब दाया तरफ के तरफ जो है ना वो आपका क्या होते हैं, घूमे होते हैं। नेक्स्ट बात जो इसमें इनका कहना था कि ये जो डीएनए होता है उस डीएनए का जो दोनों धागा होता है उसको बोन हम लोग बैकबोन कहते हैं, ये जो धागा जैसा जो आपको नजर आ रहा है इसको उन्होंने बैकबोन नाम दिया। ये दोनों के दोनों धागा या बैकबोन आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के से, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो आपको हम यहां पर डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके किसके बीच में बनते भाई, तो जो बेस होता है ना बेस, वो बेस के बीच में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, बेस का जो पेयरिंग होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं या बनते हैं। तो ये जो आपको देख रहे हो आप ये डॉट डॉट लाइन से, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये देखो ये बेस है थाइमिन एडेनिन के बीच में कितना है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, दो। ये यहां पर देखो ये ग्वानिन ये साइटोसिन उसके बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन। हाँ तो ये आपको एक प्यूरीन बेस और एक पाइरिमिडिन बेस जो है ना वो आपस में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और दोनों धागे एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। दोनों धागों का ये जो रस जिसको धागा बोल रहे थे बैकबोन बोल रहे थे, वो बैकबोन बना होता है फॉस्फेट का और शुगर का। अर्थात कल जो हम लोग देखे थे पॉली कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड था वो आपका कई जो है ना न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से बनता था, और उन न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट होता है और शुगर किस तरह से जुड़ता है आपस में वो तो हम आपको अगला दिन बताए थे। वो आपस में जुड़कर क्या करता है, धागा का निर्माण करता है, और ये जो धागा है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट बात जो हम करते हैं यहां पर वो बात क्या है,
कि दोनों जो धागे होते हैं उनमें देख लीजिए सुगर से देखिए बेस जुड़ा हुआ है, सुगर जो था उससे बेस जुड़ा हुआ है दोनों से, और ये जो बेस है ये बेस के बीच में आपका हाइपोथेटिकल एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये सब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। फिर यहां पर जो बात एक बीच में लाइन जैसा जो आप देख रहे होंगे, ये जो लाइन जैसा है ये लाइन किसका है? तो ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन है आपका एक्सिस, एक्सिस है वो, एक्सिस का मतलब होता है इमेजिनरी लाइन। तो यहां पर ये जो आपका देख रहे हो बीच में लाइन जैसा, ये एक्सिस है, और एक्सिस के चारों तरफ क्या है अगर इसको हम देखा जाए, देखे तो ये इमेजिन किए हम लोग, रियली में होता नहीं है, बल्कि हम उसको क्या कर रहे हैं, एक डाल रहे हैं एक्सिस किस पर, डीएनए पर, जो हमको क्या बता रहा है, डीएनए के संरचना को के वर्णन में मदद कर रहा है। तो ये इसमें अब थोड़ा सा और अंदर हम जाते हैं। अभी तक आपको क्या क्या बता दिए कि प्रत्येक डीएनए कितना धागा का होता है, दो धागा का, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डबल स्ट्रैंडेड मॉडल बोल रहे हैं। हाँ, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। हाँ, तो डबल क्यों बोले समझ में आ गया, दो धागा हेलिक्स बोल रहे, देखो घुमावदार है, अब घुमा हुआ है, तो चूंकि ये घुमावदार है इसमें रोटेशन है इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेलिकल बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर हेलिक्स बोल रहे हैं इसको। नेक्स्ट जो बात इसमें है वो क्या है कि इसमें जो बेस है वो सब बेस आपस में दोनों धागों का जुड़ा हुआ है, और किससे जुड़ा हुआ है, बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये बात यहां तक अभी आपको बताया। अब देखो जरा सा इस पे, अगर आप देख पा रहे होंगे ठीक से तो देख पा रहे होंगे कि ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स है यहां पर देखिए बीच में एक ज्यादा धसाव है ना, ये ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये आपका ज्यादा धसाव यहां पर है, और कहीं पर देखिए यहां पर कम है, फिर देखिए यहां पर कम है, और फिर उसके बाद ज्यादा है। इधर से देखिए ये क्या है, ज्यादा धसाव है यहां पर, है ना आपका, ये आपका क्या है, बड़ा ग्रुप है, हाँ बड़ा धसाव है यहां पर। उसके बाद देखिए ये कम है, हल्का धसाव है, उसके बाद फिर देखिए एक बड़ा धसाव है, तो आपको ग्रुप्स मिल रहे होंगे, और ये जो ग्रुप्स है कहीं पर आपका बहुत ज्यादा है और कहीं पर कम है। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स इस पे अरेंज है। तो यही कहना था इनका वाटसन और क्रिक का कि जो डीएनए होता है चूंकि वो घुमावदार होता है, हेलिक्स, हेलिक्स का मतलब घुमावदार, हाँ हेलिकल घुमावदार, चूंकि वो घुमावदार होता है, घुमाव वाली रचना के रूप में होता है, और वो जो है ना उस पर ग्रुप्स पाया जाता है, धसाव पाया जाता है, ये जो धसाव पाए जाते हैं वो धसाव आपके गहरे होते हैं और हल्के धसाव अल्टरनेट रूप में सजे होते हैं, गहरा धसाव, ये गहरा धसाव है, फिर क्या है, हल्का धसाव है, फिर देखो नीचे में है गहरा धसाव। तो इस तरह से यहां पर बात था कि गहरा धसाव, हल्का धसाव, हल्का धसाव और गहरा धसाव, इस तरह से बातें। तो ये गहरा हो गया, ये हल्का दशा हो गया, ये फिर गहरा दशा हो गया, इस तरह से डीएनए की जो सतह होता है उस पर आपका ग्रुप्स पाया जाता है अल्टरनेट रूप में, मतलब एक के बाद एक, गहरा हल्का फिर गहरा, फिर हल्का होगा फिर गहरा होगा। ये अगला बात था। नेक्स्ट बात जो इनका कहना था कि एक गहरा से दूसरा गहरा या एक हल्का से दूसरा हल्का, ये जो आपका धसाव है उन दोनों के बीच की जो आपकी लंबाई होती है डीएनए में, डीएनए की जो पिच होती है यहां पर लंबाई है वो आपका कितना है, 34 एंगस्ट्रम होता है। तो एक गहरा से दूसरा गहरा के बीच का जो आपका क्या होता है, दूरी होता है वो 34 एंगस्ट्रम होता है। ये अगला बात था इसमें कहना। ठीक है, क्या अगला बात कहना है यहां पर कि डीएनए जो होता है उसके सतह पर जो धसाव होता है, गहरा और हल्का धसाव, ये आपका गहरा और हल्का जो धसाव होता है अल्टरनेट रूप में आपका होता है सजा हुआ, उसमें एक धसाव, एक गहरा से दूसरा गहरा या एक हल्का से दूसरा हल्का धसाव के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम होता है। ये आपका अगला बात हो गया। नेक्स्ट बात, डीएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड सजे हुए थे
जो बेस पेयर सजा हुआ था, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रम होता है। अतः ये जो 34 एंगस्ट्रम का जो आपका दूरी ले रहे हैं हम, एक गहरा घसाव से दूसरा गहरा या एक हल्का घसाव से दूसरा हल्का घसाव, इसमें 10 जोड़ा जो है आपका छार बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं, और इसीलिए दो बेस पेयर्स के बीच की जो आपका लेंथ होता है, दूरी होता है, वो कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रम होता है। तो 34 एंगस्ट्रम में कितना बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स प्लस। देखो यहां से चला था फिर यहां पर घूम के आ गया, अगर थोड़ा बहुत भी मैथ का आइडिया होगा आपको तो आप जानते होंगे इसको एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ कर्वेचर है या घुमाव है, घुमाव का जो एंगल है यहां से यहां तक, एक गहरा से दूसरे गहरा या एक हल्का से दूसरे हल्का दशाओ के बीच का, वो कितना होता है 360 डिग्री का होता है, जहां था वहां से फिर आ गया वहीं पर, तो कितना डिग्री का हो गया घुमाव, पूरा का पूरा 360 डिग्री का। तो 34 एंगस्ट्रम जो आपका डीएनए का पीच होता है, उसमें डीएनए के बीच का जो ट्विस्ट का जो एंगल होता है वो कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला बात, ये जो दशाओं आप देख रहे थे और ये जो दूरी का बात देख रहे थे, जब 360 में 10 बेस पेयर्स है तो दो बेस पेयर के बीच में कितना हो जाएगा, तो 10 से भाग दे दो तो 36 डिग्री हो जाएगा। तो दो बेस पेयर के बीच का जो घुमाव है वो कितना होता है 36 डिग्री होता है। आप लोग सब तेज हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री खूब पढ़ रहे हो, वहां पर पढ़े ही होंगे कि जब आप राइट हैंड की तरफ घूमते हैं तो उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, लेकिन जब लेफ्ट हैंड की तरफ घूमते हैं तो उसको निगेटिव से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पर जो आप डीएनए देख रहे होंगे, वो डीएनए को आप देख रहे होंगे वो क्या हो रहा है, राइट हैंड की तरफ ऐसे घूम रहा है, राइट हैंड की तरफ रोटेट कर रहा है। तो जब राइट हैंड ट्विस्ट होगा तो ये इसको हम लोग कौची से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव से, ठीक है। अर्थात 36 डिग्री जो आपका, हम अभी आपको बताया कि एक आपका बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच का जो ट्विस्ट है, घुमाव है, वो घुमाव कितना डिग्री का है, 36 डिग्री का है। तो इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 36 डिग्री घूमने का मतलब है दो बेस पेयर के बीच में, कि पूरा का पूरा 10 बेस पेयर के बीच में कितना आ गया 360 डिग्री। नेक्स्ट बात दिमाग में रखिएगा, बैकबोन किससे बताया आपको बना होता है, बैकबोन या जिसको हम थ्रेड बोल रहे थे डीएनए का, वो बना होता है किसका, शुगर और फास्फेट का। ये जो आपका बीच में देख रहे थे बेस पेयर्स का, ये एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर, चौथा बेस पेयर, ऐसे बेस पेयर्स अरेंज है, देख रहे ऐसे है ना, जो दोनों धागों को जुड़े हुए, इसको हम लोग स्टेप्स बोलते हैं। तो डीएनए में जो बेस पेयर होता है, जो दोनों धागों के बीच में पाया जाता है, जोड़ के रखता है उनको, उसको कहते हैं स्टेप्स। तो डीएनए का स्टेप्स बना होता है किसका, बेस पेयर्स का, आपस में जुड़ा होता है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, जबकि डीएनए के धागे जो है ना किसके बने होते हैं, फॉस्फेट और शुगर के, देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपस में जुड़े होते हैं किस बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो आपको हम लोगों ने देखा और बताया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट और क्या देखना था, कि इन दोनों धागों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो कल के क्लास में ही हम आपको बताए थे कि ये जो आपका डीएनए के दोनों धागे होते हैं उनके बीच का जो दूरी होता है, मतलब कि जो आपका इसका डायमीटर बोलो, इसको बोल सकते हो, वो आपका डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। जैसे सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी, तो सीढ़ी के दोनों बांस हो गए ना, तो बांस यहां पर किसका बना हुआ है, बांस मतलब यहां पर डीएनए का धागा किसका बना हुआ है, फॉस्फेट का और शुगर का, ठीक है। और सीढ़ी के बीच में देखे होंगे वो आपका जो है ना, वो आपका वो खेड़ी होता है जिसपे हम पैर रखकर चढ़ते हैं, उसको स्टेप्स बोलते हैं अंग्रेजी में,
और वो जो स्टेप्स है यहाँ पर किसका बना हुआ है, बेस पेयर्स का। वहां सीढ़ी में अगर बांस का सीढ़ी है तो उसमें देखिएगा वो बांस का ही लगा होता है, लोहा का अगर सीढ़ी है तो लोहा का लगा होता है, हाँ सीमेंट का अगर सीढ़ी है तो सीमेंट का बना होता है बीच में स्टेप्स, और यहाँ पर जो स्टेप्स है वो किसका बना हुआ है भाई, बेस पेयर्स का। ये स्टेप्स है देखो, और ये बना हुआ है बेस पेयर्स का, और सारे के सारे जो स्टेप्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये सब कुछ बातें हैं जो अभी हम लिखेंगे, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना है, डीएनए के जो दोनों धागे सचे होते हैं, हम लोग अगला दिन के पढ़ाई में देखे थे कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा के तरफ होते हैं, एक का 5 इंच नीचे की तरफ तो दूसरे का 3 इंच नीचे की तरफ होगा, एक का 3 इंच ऊपर की तरफ तो दूसरे का 5 इंच ऊपर की तरफ होगा, ऐसे होगा। मतलब जैसे हाथ हम लोग मिलाते हैं ना, तो हाथ मिलाने में क्या होता है, किसी से हाथ मिलाते हो तो क्या होता है, आपकी 5 उंगलियां उसके तरफ और उसकी 5 उंगलियां आपके तरफ, जस्ट ऐसे ही डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में सजे होते हैं, एक का 5 इंच ऊपर की तरफ तो दूसरे का 3 इंच ऊपर की तरफ, ठीक है, अर्थात एक का 5 इंच ऊपर की तरफ तो दूसरे का 5 इंच नीचे की तरफ, ऐसे सजे होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए अभी हम दिखा रहे हैं, ये एरो से दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ गया है, और इसमें एरो से दिखा रहे हैं नीचे की तरफ आया है, तो इसमें 3 इंच, हम आपको कल भी बताए थे कि जो आपका 3 इंच होता है उसको टेल इंच कहते हैं, और जो 5 इंच होता है उसको हम लोग हेड इंच कहते हैं, फॉस्फेट इंच कहते हैं। तो इधर से एरो इधर की तरफ है, इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ पर 3 इंच होगा, और इस धागा में ऊपर की तरफ क्या होगा, 5 इंच होगा। हाँ, तो इस धागा में ये जो धागा है आपका जिसका 5 इंच ऊपर बताया, उसका 3 इंच कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, इसका 3 इंच नीचे, और इस धागे का जिसका आपका क्या बताया 3 इंच ऊपर है, तो इस धागे को देख लो, ये जो धागा है आपका इसका 5 इंच यहाँ पर होगा, ये 5 इंच होगा नीचे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों के दोनों धागे एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में पैरेलल रूप में सजे होते हैं, एक का 5 इंच ऊपर तो दूसरे का 5 इंच नीचे। ये आपको हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल थोड़ा दिखाए जो कंप्यूटराइज्ड टाइप का था। अब थोड़ा सा अपने से देख लेते हैं हम लोग बना के, ये जो है ना थोड़ा सीधा करके बनाया है, थोड़ा घुमावदार इसलिए नहीं किए कि आपको समझ में ज्यादा से आए। ये देखिए बीच में डॉटेड लाइन है आपका, बीच में डॉट 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 जैसा कुछ दिया हुआ है, ये जो डॉट जैसा है ये इसका एक्सिस हो गया, एक्सिस का मतलब है इमेजिनरी लाइन जो डाले हुए हैं हम उसको क्या करने के लिए, देखने के लिए, उसके अध्ययन में मदद के लिए, और वो उसके सेंटर से पार होता है। जब सेंटर से इसको पार करते हैं तो क्या देखते हैं हम कि देखिए कहीं पर ज्यादा धसा हुआ है, मेजर ग्रुप, ज्यादा मतलब मेजर ग्रुप, और कहीं पर हल्का है तो माइनर ग्रुप, इसी को हल्का धसाव हिंदी में बोलेंगे क्या, हल्का धसाव, और इसको भी क्या बोलेंगे, हल्का धसाव, और मेजर का मतलब क्या हो जाएगा, गहरा धसाव। तो देखो तो एक हल्का धसाव के बाद दूसरा क्या है, गहरा धसाव, फिर उसके बाद क्या है, हल्का धसाव, फिर उसके बाद क्या होगा, गहरा धसाव, इस तरह से अल्टरनेटली सजा होता है, एक मेजर के बाद एक माइनर, फिर माइनर के बाद क्या, मेजर, फिर मेजर के बाद क्या हो जाएगा, माइनर, ऐसे सजा होता है डीएनए पर। डीएनए के दोनों धागों के बीच की दूरी आपको अभी हमने बताई थी, मतलब डायमीटर कितना होता है डीएनए का, तो डीएनए का डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रम। अभी भी अगर आपको डीएनए में प्रॉब्लम हो रहा हो, समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो आप लोग अपने घर में कुछ कार्यक्रम किए होंगे या किसी कार्यक्रम में भाग लिए होंगे, हाँ जैसे शिक्षक दिवस मनाए होंगे आप, है ना, आज तो हम लोगों को बिना शिक्षक दिवस मनाया हुए पता ही नहीं चलता कि हम शिक्षक भी हैं, चूंकि पढ़ाना तो है नहीं, पॉलिसी बतियाना है केवल। तो शिक्षक जो होता है उसका देख लीजिएगा क्या करता है, पहले शिक्षक दिवस मनवाएगा, आपसे जो है ना खूब खाएगा, आप भी मजा लेते हो, खैर डीजे पर नाचते हो और वो भी नाचते हैं, दोनों मिल मिल के नाचते हैं, मास्टर और लेकिन दोनों नाचते हैं उसमें। खैर हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये जो आपका शिक्षक दिवस में आप शायद मनाए होंगे तो वहां पर आप देखे होंगे, या किसी का जन्मदिन मरण दिन मनाए होंगे तो वहां पर आप देखे होंगे कि एक रिबन जैसा आता है कागज का बना हुआ, जिसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे थोड़ा घुमा के और दीवार में चिपकाते हैं या फिर लटकाते हैं, कुछ हद तक डीएनए वैसा ही होता है।
घुमावदार, जैसा कि उस रिबन को आप कागज के रिबन को लगाते हो ना सजाने के लिए, वैसा ही होता है, लेकिन घुमावदार है, ये ध्यान रखना है जो आप बना के लगाते हो। अब यहां पर हम आपको क्या बता रहे थे, फिर से देख लो, यहां पर बात करते हैं अपने से कि देखो एक में एक आपका एक माइनर से दूसरे माइनर का अगर बात करो, एक माइनर से दूसरे माइनर का अगर बात करो तो दूरी कितनी है भाई, एक माइनर से दूसरे माइनर के बीच ग्रुप के बीच की दूरी कितनी है, तो देखो लिखे हैं 34 एंगस्ट्रॉम। अभी आपको बोल रहे थे ना कि ये जो है ना एक माइनर से दूसरा माइनर या एक मेजर से अगला मेजर के बीच में कितना दूरी हो जाता है, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाता है या 3.4 नैनोमीटर। अब इसमें कितना ट्विस्ट हो जाता है, तो 360 डिग्री, अभी वहां बताए थे आपको, प्लस में लिखे हैं 360, ध्यान रखना है प्लस का मतलब राइट हैंडेड, और अगर लेफ्ट हैंडेड घूमता तो क्या बोलते हैं उसको, -360 डिग्री। इसमें कितने बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर्स हैं। अब देखो एक माइनर से दूसरे मेजर, एक माइनर से दूसरे मेजर का अगर बात करें हम तो उसमें कितना का बात है, थोड़ा सा हम आपको यहां पर थोड़ा कुछ लिख लेते हैं। एक माइनर से बात करें दूसरे मेजर के बीच में, वो तो एक माइनर से दूसरे माइनर के बीच का बात कर रहे थे, अब हम एक मेजर से एक माइनर का बात करें तो इसके बीच में कितना होगा, तो इसमें आप निकाल लो जस्ट इसका हाफ होगा, तो यहां पर आपका कितना एंगस्ट्रम हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रम का आधा कितना होता है, 17 एंगस्ट्रम यहां का, सॉरी एक मिनट, ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 17 एंगस्ट्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 एंगस्ट्रम, ठीक है, यहां पर एंगस्ट्रम का बात कर लेते हैं हम, ठीक है, ये 17 एंगस्ट्रम हो गया। अब ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना हो जाएगा भाई, तो 180 हो जाएगा, है ना, 180 क्यों होगा, आप आराम से बता दोगे 180 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आधा है, 180 डिग्री का कर्वेचर हो जाएगा यहां पर, ठीक है, 180 डिग्री का क्या हो गया, कर्वेचर हो गया, घुमाव हो गया, किसमें, एक माइनर से दूसरे माइनर के, एक माइनर से दूसरे मेजर के बीच में, लेकिन एक माइनर से दूसरे माइनर या एक मेजर से दूसरे मेजर के बीच में कितना का था, 360 का था, उसमें 10 बेस पेयर था, तो यहां पर कितना बेस पेयर हो जाएगा, 5 बेस पेयर हो जाएगा, 5 बेस पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है, और एक से दूसरे बेस के बीच की दूरी कितनी थी, आपको बताए थे 3.4 एंगस्ट्रम बताए थे, एक से दूसरे के बीच में जो आपका दूरी का बात अगर करो तो कितना पर सजा हुआ था, 3.4, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रम पर सजा हुआ था। नैनोमीटर में आप निकाल दोगे, नैनोमीटर में क्या करना है, 10 से भाग दे दोगे, नैनोमीटर में आ जाएगा ये एंगस्ट्रम ही है, कोई दिक्कत अगर है तो बताओ। यही है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तो ये आपको हम कुछ आपका फिगर कंप्यूटर फिगर से देख रहे थे। डबल हेलिक्स मॉडल की मुख्य बातें क्या क्या है, क्या क्या बोलोगे, पहला बात ये था कि डीएनए जो होता है किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इसको पहले भी बताए हैं आपको कि कोई भी कोशिका का बात करो, चाहे प्लांट कोशिका हो चाहे एनिमल कोशिका हो, उनमें सबसे बड़ा अगर अणु का बात होगा तो कौन होता है, डीएनए होता है। डीएनए पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश नहीं होता बल्कि नेगेटिव आवेश होता है, मतलब उस पर जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है। डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है जो दो धागे दायां हाथ की तरफ घुमावदार या पॉजिटिव होता है, घुमाव में, ठीक है, पॉजिटिव घुमाव में होता है, चार्ज का बात अगर करेंगे उस पर तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज रहेगा, लेकिन घुमाव जो की दायां तरफ है, और आप लोग तो फिजिक्स के चैंपियन हो या मैथ के चैंपियन हो, ये बता ही सकते हो कि दायां तरफ घुमाव को हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं और जो बायां तरफ घुमाव होता है उसको निगेटिव से दिखाते हैं, लेकिन आवेश उस पर हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा।
फिर क्या बोल रहे हैं कि डीएनए के सतह पर क्रमीय रूप में मतलब एक के बाद एक अल्टरनेटिव रूप में मेजर और माइनर ग्रुप्स पाए जाते हैं, गहरा और हल्का घसाव पाया जाता है। ये जो डीएनए का धागा होता है बैकबोन वो सुगर और फॉस्फेट का बना होता है और आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि डीएनए का जो स्टेप्स होता है, स्टेप्स आपको बताए थे बीच में आपका जो उसका जुड़ा हुआ था वो आपको अभी सीरीज से इसका बात तुलना किए थे भी, तो जो स्टेप्स होता है डीएनए का वो किसका बना होता है, वो बेस पेयर्स का बना होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ा होता है। ये आपके दिमाग में इतना बात तो आ जाना चाहिए, आप इतना का ऐसे है कि डीएनए का जो आपका वाटसन और क्रिक मॉडल था उसमें अगला पॉइंट क्या था कि डीएनए के जो दोनों धागे होते हैं मतलब जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कर रहे हैं, दोनों धागों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है दोनों धागा, आपस में एक दूसरे के विपरीत रूप में, विपरीत मतलब एक का 3 इन अगर ऊपर है तो दूसरे का 5 इन ऊपर होगा, एक का आपका 5 इन ऊपर है तो दूसरे का 3 इन ऊपर होगा, मतलब एक दूसरे के जस्ट विपरीत है ना, तो 5 इन ऊपर है एक का तो दूसरे का 3 इन ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगा 5 इन एक का एक का दूसरे का 3 इन हो जाएगा, ऐसे विपरीत दिशा में। आपको विपरीत दिशा के बारे में हम पहले भी बताए थे, जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाते हैं तो कैसे मिलाते हैं, ये हाथ जो है ना किसी से मिलाना है तो ये जो उंगलियां है उसके तरफ है, तो मानिए इधर 5 इन है और इधर 3 इन है तो ऐसे सजा होगा, ठीक है, इस तरह से सजा होगा, एक का 5 इन दूसरे के 3 इन के तरफ पैरेलल है, देखो एकदम एक दूसरे के पैरेलल एकदम है ना, समानांतर एकदम सजा हुआ है और बीच में जो जुड़ा हुआ है आपस में किसके कारण, वो आपका बेस पेयर्स का जो हाइड्रोजन पेयरिंग हुआ है उसके कारण। तो यहां पर लिखे हैं कि डीएनए के दोनों धागे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसको बोल रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत रूप में मतलब कि 3 इंटू 5 इन और 5 इंटू 3 इन रूप में सजे होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं किसके मदद से, हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से। फिर लिखे हैं कि उस पर जो होता है धसाव तो पीछे ही बता दिए थे, तो एक गहरा धसाव मतलब मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप या एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप के बीच का जो एंगल ऑफ कर्वेचर होता है, घुमाव होता है 360 डिग्री का होता है, फिगर में दिखाया है, और उसमें 10 पेयर्स जो होते हैं बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं या 10 पेयर्स बेस होते हैं और लंबाई कितना उतना में आता है 34 एंगस्ट्रम आता है, तो 10 हार जोड़ा कितना दूरी में सजा होता है 34 एंगस्ट्रम में और उतना में घुमाव कितना आ जाता है 360 डिग्री, राइट हैंडेड है मतलब पॉजिटिव में प्लस में आता है घुमाव। उसके बाद बोल रहे हैं कि डीएनए का जो हेलिक्स का डायमीटर होता है मतलब दोनों धागों के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रम होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। फिर बोल रहे हैं कि एक क्षार जोड़ा से दूसरे क्षार जोड़ा के बीच की दूरी कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रम होता है, जबकि घुमाव कितना का होता है 34 एंगस्ट्रम का घुमाव होता है। नेक्स्ट बात बता रहे हैं कि आपका क्षार जोड़ा जो बनता है उसमें एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है, साइटो थायमिन के साथ, कितना बेवर्ती से हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, जबकि जो आपका साइटोसिन होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो साइटोसिन जुड़ा होता है ग्वानिन के साथ और उनके बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो ये टोटल आपका हो गया इसके बारे में किसका, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, इसको आपके दोनों धागे हैं आपस में किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो जब भी हमको डीएनए का डीनेचुरेशन करना होगा या मेल्टिंग करना होगा उसका क्या मतलब है, तो डीएनए डीनेचुरेशन या मेल्टिंग का मतलब होता है डीएनए को दो धागे से एक धागे में बदलना, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड रूप में बदलना क्या कहलाता है, डीएनए का मेल्टिंग या डीनेचुरेशन कहलाता है।
मैंने डीएनए को पिघलाना हिंदी में, है ना। तो ये जो डीनेचुरेशन होता है वो आपका कैसे किया जाता है, तो समानता डीनेचुरेशन के लिए दो काम किया जा सकता है, या तो उसको अल्कलाइन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, अल्कलाइन सबस्टांस डाल के लिक्विड डाल के उसको क्या कहता है उसको तोड़ा जाता है, दोनों धातुओं को एक दूसरे से अलग किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर, या उसको गर्म किया जाता है। तो जब डीएनए को गर्म करोगे तो दो धागे जो डीएनए है वो एक धागे रूप में बदल जाता है। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि डीएनए को हमको दो धागे से एक धागा में बदलना है, मतलब दोनों धागों को अलग करना है, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ता है या टूटेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या सीएन बॉन्ड, या फिर क्वेश्चन दे देगा कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे करके दे देगा। तो किस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड रूप में बदल जाएगा। तो अभी आपको बताया कि दोनों धागों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो डीएनए को दो धागे से एक धागा में बदलने के लिए कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बार फिर क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए को टुकड़ों में तोड़ना है, डीएनए को टुकड़ों में बदलना है, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो आराम से बता देना कि डीएनए को जब टुकड़ों में तोड़ना होता है या तोड़ते हैं तो उसके लिए हमको कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, हमको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के तोड़ने से क्या होगा, वो आपका छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। तो डीएनए को अगर अलग अलग एक धागे पर बनाना है तो क्या करेंगे, कौन बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे उसका। हाँ, डीएनए को क्या करना है, आपको टुकड़ों में बदलना है, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, तब जो है ना बॉन्ड तोड़ेंगे हम इस बॉन्ड को टुकड़ों में तोड़ने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। तो कल हम इसको देखेंगे अगला दिन कि डीएनए को कैसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए क्या है, मेल्टिंग ऑफ डीएनए क्या है, नेक्स्ट डे देखते हैं।